फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 23 घंटे पहले कोइन मार्केट कैप ने एक ट्वीट डाला था रिगार्डिंग शिबा इनू की प्राइस प्रेडिक्शन को लेके, और इनके अकॉर्डिंग जो शिबा इनू 2021 में जो ग्रोथ पाई है वो लगभग 441,605% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसको पूरा डिटेल से जानेंगे। साथ के साथ यहाँ पर एक और ट्वीट जो ईटोरो की तरफ से कल किया गया था रिगार्डिंग शिबा इनू और डोज कोइन को लेके, तो क्या कुछ है इस ट्वीट में, ये भी हम पूरा डिटेल से जानेंगे। साथ के साथ एक और वहेला के द्वारा यहाँ पर ट्वीट डाला गया है जिसमें लास्ट 24 घंटे के बीच में ने जो टॉप 1000 इथेरियम वॉलेट थे उनके बीच में कितना इन और कितना आउट हुआ शिबा इनू का, वो भी हम पूरी डिटेल से जानेंगे। साथ के साथ यहाँ पर शैनन ब्रो ने भी 3 घंटे पहले यहाँ पर ट्वीट डाला था जिसके बीच में उन्होंने शिबा इनू को प्रोजेक्ट साथ के साथ 300 मिलियन के कुछ जिगर के क्या कुछ है इसके बीच में, ये भी हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं भाई, आज मार्केट जो है कैसी रही है, क्या डाउनवार्ड गया है, क्या अपवार्ड की तरफ गया है। यहाँ पर तो गाइज देख सकते हैं जो मार्केट है वो 1% से अभी डाउनवार्ड की तरफ चल रही है। यहाँ पर बिटकॉइन की बात करूँ तो 1.56% से माइनस में, इथेरियम भी 1.5% से माइनस में है। बात करूँ यहाँ पर डोज कॉइन की तो डोज कॉइन देख सकते हैं 0.6% से प्लस में, लेकिन अब फिर माइनस में हो चुका है। यहाँ पर यूनिस्वैप 3% से माइनस में है। तो चलिए बात करते हैं शिबा इनू की। तो गाइज जहाँ पर मार्केट 1% से डाउन है वहीं पर शिबा इनू का प्राइस 1% से बढ़ा हुआ है। हालांकि ये माइनस के 3% पे गए हुआ था लेकिन प्लस में ये 2.56% तक इंक्रीज हुआ था, और अभी देख सकते हैं अभी 1.26% अब 0.71% इंक्रीमेंट है। और जो अब रैंक है वो रैंक 51 हो चुका है, क्योंकि आपको पता है पहले 54 था, फिर 47 हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 50 रैंक हुआ, और अब फिर 51 रैंक पे आ चुका है। यहाँ पर अगर बात करूँ इसके प्राइस चेंजेस में तो देख सकते हैं कि प्राइस का ग्राफ देखिए किस तरह पहले प्राइस बढ़ा था, फिर एकदम डाउनवर्ड की तरफ गया, फिर ज़्यादा डाउनवर्ड गया क्योंकि यहाँ मार्केट डाउन चली गई थी लगभग 3% से। यहाँ पर मार्केट 4.45% से मार्केट डाउन थी यहाँ पर, उसके बाद फिर से थोड़ा उठा यहाँ पर और फिर से थोड़ा सा डाउनवर्ड गया। तो चलिए ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूँ अगर मैं, तो गाइस देख सकते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी माइनस में चल रहा है यहाँ पर। हालांकि प्राइस जो है 0.43 प्लस में है और 50% यहाँ पर माइनस में देख सकते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम को पिछले 24 घंटे के बीच में। अब ये कारण हो सकता है भाई प्राइस जो था मैंने आपको बताया 3% इंक्रीज़ किया होता, तो शायद ये कारण हो सकता है भाई ज़्यादा बायर्स इंटरेस्ट ना ले रहे हो, भाई प्राइस अभी बढ़ा हुआ है तो अभी हम बाय नहीं करते। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सीधा ही ट्वीट्स की। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहला जो ट्वीट है, सबसे पहले तो मैं होल्डर्स की आपको शंका दिखा देता हूँ आज के टाइम पे, क्योंकि ये अभी मैं आपको प्रूफ एक और चीज़ यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश किया उसके बीच में आपको ये देखना जरूर पड़ेगा। देखिए यहाँ पर होल्डर्स के रिगार्डिंग एक आर्टिकल पब्लिश किया फाइनेंस ने finbol.com वेबसाइट पर, ठीक है, इसको भी हम पूरे डिटेल से अभी बताऊँगा आपको। साथ के साथ डेजर्ट न्यूज़ ने भी यहाँ पर शिबा कॉइन के ही रिगार्डिंग एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने प्राइस के बारे में जिक्र किया, तो क्या कुछ है ये भी अभी डिटेल से जानता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको होल्डर्स दिखा दूँ ताकि आप याद रखो, उसके बाद वो जरूरी आएंगे वहां पर जब आर्टिकल रीड आउट कराऊंगा। तो देख सकते हैं अभी होल्डर्स की संख्या 668,678, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ट्वीट आते हैं हम शैनन ब्रे का। तो शैनन ब्रे ने क्या किया है, सबसे पहले शैनन ब्रे ने डोनेशन किया शैनन ब्रे को यहाँ पर शिबा इनू प्रोजेक्ट के लिए, जो बहुत ही बड़े गुण है क्योंकि आपको पता है शैनन ब्रे ने क्या बोला है, भाई मेरे जितने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुआ करेंगे तो उस कॉन्फ्रेंसेज के बीच में मैं शिबा इनू प्रोजेक्ट के बारे में हर किसी को बता करूँगा, हर किसी को वहाँ पर जागरूक करूँगा रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी को और साथ के साथ हमारे मेम टोकन शिबा इनू को, ताकि जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चल जाए यहाँ पर। और इसी को देखते हो यहाँ पर एक डोनेशन की है, वो डोनेशन की है मोरकाग 75, यहाँ पर इन्होंने भी लिंक दिया हुआ है, उसको टैग किया हुआ है। दिस मॉर्निंग आई रिसीव अ वंडरफुल डोनेशन फॉर माय शिव प्रोजेक्ट, वी नाउ हैव मोर देन 300 मिलियन इन दिस वॉलेट, थैंक यू फॉर योर सेल्फनेस डोनेशन। और गाइस जितना यहाँ पर मतलब जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके एडवर्टीजमेंट करेंगे, उतने ज़्यादा जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो न्यू इन्वेस्टर इस तरह अट्रैक्ट होंगे भाई, वो दिखेंगे जब यार इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी यहाँ पर, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए दूसरा ट्वीट यहाँ पर दिखाता हूँ जो मैं लास्ट मतलब 24 घंटे के बीच में जो टॉप 1000 इथेरियम वॉलेट्स थे। तो अगर मैं शिबा इनू की बात करूँ तो देखिएगा शिबा इनू पे जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया वो किया गया 67,03,328, और जो निकाला गया वो निकाला गया 717,793, और एट प्रेजेंट जो नेट फ्लो बना हुआ है वो बना हुआ है 59,85,535 यहाँ पर।
तो आप ये देख रहे होंगे भाई जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वहाँ से सेल आउट कम किया गया है बल्कि होल्ड पे ज़्यादा किया गया है, जो बहुत ही बड़े गुड न्यूज़ बन जाती है। नेक्स्ट कोइन मार्केट कैप ने 23 घंटे पहले यहाँ पर ट्वीट डाला था, तो इन्होंने क्या बताया भाई, जो शिबा इनू का 2021 में या शिबा इनू की जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 441,605% की शिबा इनू की, और अभी भी बुलिश में है। आपको पता है बैरिश और बुलिश दो कैंडल्स होती हैं, मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है। ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ देखना, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ देखना आ गया तो आप इंस्टेंट प्रॉफिट इजीली वहां से कमा सकते हो। साथ के साथ इन्होंने यहां पर 21 घंटे पहले एक यहां पर फोटो ट्वीट किया है जिसमें देख सकते हैं शिब आई ट्रस्ट होल्ड आई मस्ट। इसका मतलब इन्होंने बोला भाई कोइन मार्केट कैप ने, भाई शिबा इनू मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं और मैं होल्ड करके रखूंगा शिबा इनू को कोइन मार्केट कैप के ऊपर, यानी कोइन मार्केट प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ बन जाती है। हम नेक्स्ट यहाँ पर ट्वीट किया ईटोरो ने, दरअसल में ईटोरो बता रहा है भाई जो शिबा इनू है उसने क्या किया, डोज कॉइन के ऊपर धूल गिरनी स्टार्ट कर दी है। मतलब क्या, डोज कॉइन कहीं ना कहीं रुलना स्टार्ट हो चुका है। हालांकि आपको पता है एलोन मस्क का, एलोन मस्क के ट्वीट के कारण डोज कॉइन का प्राइस कहीं से कहीं चला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर शिबा इनू भी पीछे नहीं हट रहा है। शिबा इनू जो शिब आर्मी है वो पूरी की पूरी फोर्स यहाँ पर, और साथ के साथ एक्सचेंजेज अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर शिबा इनू जो लिस्ट हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है न्यू इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो वो नए इन्वेस्टर डोज कॉइन को छोड़ के शिबा इनू पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स की। तो गाइज आर्टिकल जो सबसे पहला आर्टिकल लिखा है वो लिखा है finbol.com की तरफ से देखने को मिला है। दरअसल में इन्होंने यहाँ पर बताया जो शिबा इनू के होल्डर्स हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था 668,000 यहाँ पर होल्डर्स एट प्रेजेंट हुए पड़े हैं शिबा इनू के। इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो शिबा इनू के 100,000 होल्डर हैं वो लास्ट 3 months में हुए हैं यहाँ पर। 100,000 होल्डर पिछले 3 महीने में आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट किसी को होल्डर्स यहाँ पर मिले हैं। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग जून 2021 के बीच में जो होल्डर्स की संख्या थी वो थी 536,300 होल्डर्स, ठीक है, जून 300 में मेम टोकन पे, यानी शिबा इनू पे ये बता रहे हैं। उसके बाद सितंबर 2021 में, यानी 3 महीने हो गए जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर, 3 महीने हो गए। उसके बाद 3 महीने बाद जो संख्या होगी वो होगी 668,810, ठीक है, यानी जो इंक्रीमेंट देखने को मिला पिछले 3 महीनों में वो कितना हुआ, 132,310 यहाँ पर। अब ये क्या कारण है, अभी एक बार मैं कारण भी बताऊंगा। सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। जब जून 2021 था यहाँ पर तो मार्केट बिलियंस में कितनी थी, 6.82 बिलियन थी यहाँ पर मार्केट कैप। उसके बाद सितंबर में कितनी होगी, 7.11 बिलियन की यहाँ पर मार्केट कैप बन चुकी है। अब इसका जो मेन कारण है, मुख्य कारण है इसका, जो अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर शिबा इनू यहाँ पर जो लिस्ट हो रहा है वो सबसे मुख्य कारण है, सबसे ज़्यादा पीपल्स को अट्रैक्ट करने का और सबसे ज़्यादा होल्डर्स की संख्या पाने का यहाँ पर। और आपको पता है कल या परसों ही 9 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी ट्विटर हैंडल पेज पर शिबा इनू के। तो गाइस ये था यहाँ पर, ये देखिए इन्होंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो इनका यही कारण है भाई, जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस कॉइन ने यहाँ पर पाई है पिछले 3 महीनों में 100,000 होल्डर्स यहाँ पर लाके, और फ्यूचर में और ज़्यादा यहाँ पर जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी क्रिप्टो करेंसीज की, तो ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी और साथ के साथ ज़्यादा ज़्यादा होल्डर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए दूसरा आर्टिकल हम देखते हैं। दूसरा आर्टिकल डेजर्ट न्यूज़ की तरफ से आया है, जिन्होंने यहाँ पर बताया भाई जो शिबा इनू कॉइन का जो प्राइस है वो अब ग्रो नहीं करेगा। देखिए, वाई शिब कोयन बिग स्पाइक इज अ साइन दैट द कोयन मे नॉट ग्रो अगेन। अब क्या कारण है, ये क्यों बोल रहे हैं भाई शिबा इनू का प्राइस ग्रो क्यों नहीं करेगा। तो गाइज आपको तो पता था कोयन बेस प्रो के ऊपर यहाँ पर लिस्ट होते जो शिबा इनू का प्राइस था वो 35% की बढ़ोतरी हमको देखने को मिली थी यहाँ पर। देखिए इन्होंने भी लिखा है, वेन शिब कोयन वॉज लिस्टेड ऑन कोयन बेस प्रो इट जंप्ड 28.87% ग्रोथ इन जस्ट वन डे, ठीक है, एक ही दिन में लगभग 30% की ग्रोथ यहां पर पाली थी जैसे ही कोइन बेस प्रो के ऊपर लिस्ट किया गया शिबा इनू को। लेकिन अब क्या कारण, हम सीधे उस पर चलते हैं, वैसे इन्होंने बहुत से डिस्कशन किए, हम सीधा ही यहां पर पॉइंट पे आते हैं भाई क्या कारण है, क्यों अब जो प्राइस है वो यहां पर नहीं बढ़ेगा। तो देखिएगा यहां पर सीधा सीधा उन्होंने लिखा है, एट दैट पॉइंट शिब कोइन इन्वेस्टर्स Sold all of their coins which hurt the value too, जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता आया, आज उन्होंने ये बात यहाँ पर लिख दी है। मतलब क्या, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो जितने भी यहाँ पर होल्डर्स थे उन्होंने अपने कोइंस को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। और यही कारण है
दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज द एग्जैक्ट रीजन वाई शिब इज एन अनट्रस्टेबल वर्थी असेस्ड बिकॉज इट इज लिट, मतलब मैं बताता हूँ सीधा पंप एंड डंप। इनका कहने का मतलब यह है भाई, यही कारण है शिब एनयू के बीच में क्या, जब कहीं पर भी यहाँ पर लिस्ट होता है तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज करता है तो सारे के सारे होल्डर सेल आउट करते हैं, इसलिए इसको पंप एंड डंप असेट बोला है इन्होंने। और यही कारण है जो इसका प्राइस है वो कभी भी फ्यूचर में भी बहुत ही मुश्किल से इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई जब तक होल्ड नहीं करोगे ना, होल्ड इज गोल्ड है मेरी तरफ से, तो भाई होल्ड इज गोल्ड, मैं फिर से बोलता हूँ, जब तक होल्ड नहीं करोगे तब तक तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। और आप इस तरह से बेचते रहोगे तब तो वही है, एक बार तो प्राइस बढ़ गया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपने तो अपना देख लिया, लेकिन और जो होल्डर्स हैं और जो पीपल्स हैं उनका तो यहाँ पर टूट जाएगा भ्रम, भाई नहीं यार ऐसा नहीं है, ये तो प्राइस गिर जाता है ऐसा है वैसा है, ठीक है गाइज। तो इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर अपने आर्टिकल में यही कुछ पब्लिश किया। तो गाइज होप कर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के अपडेटेड वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज।